हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नया रिव्यू। ये है बीएससी क्रॉनिकल्स के, बीएससी पब्लिकेशंस की मैजिकल बुक सीरीज है, इंग्लिश की। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये चेतन आनंद सिंह, इन्होंने लिखी है ये बुक। ये इसका फ्रंट है और इसका बैक साइड देख सकते हैं। प्राइस 250 की है, लेकिन ऑनलाइन में आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, ऑनलाइन अगर आप परचेज करें इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम इसके इसकी इस बुक में है क्या। वेल, इन्होंने टॉपिक तो बड़ा अच्छा दिया पहले ही, इंग्लिश इज इजी इफ यू फॉलो दिस बुक। वेल, लेट्स सी। रिकमेंड किए फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MBA, CAT, MAT, आपको पता ही है, बैंक PO, RBI, GMAT, SSC, NDA, CDS एंड लॉ एंट्रेंस। चेतन आनंद सिंह, BSC पब्लिकेशन। कॉन्टेंट्स में हम देख लें इसमें एक बार। चैप्टर की है मास्टरिंग द लैंग्वेज, पेज नंबर 1। गाइस, कोई भी बुक है, किसी के भी राइटर कोई भी हो, सबसे पहले चीज़ आती है हमें देखने के लिए क्वालिटी। तो वहाँ क्वेश्चंस, उसकी क्वालिटी, मटेरियल सबसे पहले देखना पड़ता है कि राइटर की अप्रोच क्या है। उसकी अप्रोच जो अगर सही है, मतलब किसी भी कॉन्टेंट को लेकर, किसी भी चीज़ को, तो बुक फेमस हो जाती है। हर कोई रिकमेंड करता है कि हाँ, इसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी है। आपको स्टूडेंट्स को क्या है कि कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे राइटर ने लिखी होती है किताब, लेकिन जब स्टूडेंट्स के हाथ में पहुंचती है तो वो उतनी, मतलब कि चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन वो उतनी अच्छे से समझ नहीं पाता, एक्सप्लेनेशन उसको समझ नहीं आती कई चीज़ें। आप सबसे मेन चीज़ है राइटर की अप्रोच, कि उसने किस तरह बताया कि फॉलो करो बुक को, क्या चीज़ पहले पढ़नी है, किस चीज़ को पहले पढ़ के ही आगे बढ़ना है। कई लोग होंगे बुक उठाएंगे कि यार हमें ये चीज़ नहीं आती, ये चीज़ है, लेकिन हाँ ये आती है हमें, इस चीज़ को मास्टर करना है। सीधा बुक बुक में चाहे वो जाएंगे नहीं कंटेंट्स की तरफ, कि उसने राइटर ने क्या लिखने की कोशिश की है। ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए, बस समझ लीजिए, फिर चाहे आप नेक्स्ट कंटेंट जो है स्किप करें। लेकिन अगर उसने कहा है कि नहीं, सीरियल वाइज आप जाएँ, तो उसको फॉलो ज़रूर करें एक बार, एटलीस्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले दिया ग्रामर, ग्रामर में आता है नाउन, आपको पता ही है बेसिक चीज़ें शुरू है, नाउन, जेंडर, नंबर, केस, हर किसी ने पढ़े हैं। फिर उसकी एक्सरसाइज है प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव। फिर एक्सरसाइज की आगे देखेंगे हम वर्ब्स, वर्ब के बाद इसकी एक्सरसाइज इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, टेंस है, फिर वॉइस, एक्टिव, पैसिव, हर किसी ने किए हैं आई एम श्योर। एडजेक्टिव, आप इंग्लिश में चाहे आप फिफ्थ क्लास से पढ़ लें, चाहे आप आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाएं, चाहे जहां मर्जी किसी कोचिंग सेंटर में जाएं, हर कोई बंदा पहले आपको ये सब चीज़ें पूछेगा, पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत इंट्रो देगा, पता भी थोड़ा बहुत, तो आपको पता है इन सब चीज़ों से स्टार्टिंग होगी। सेम रिगार्डिंग दिस बुक। एडवर्ब्स आगे आ जाइए, फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स, उसके बाद एक्सरसाइज हैं, रूल्स दिए हुए हैं, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ी हैं हमने, बस एक बार रिव्यू इसका एक बार देख लें। मेन चीज़ आते हैं सेक्शन 2 में, मेन चीज़ वो कैब, वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स देखे हैं मैंने इसमें। इन्होंने, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टूडेंट की, हर एक कैंडिडेट की यही होती है कोशिश, की वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो है उनके मीनिंग याद रख पाए। लेकिन आप कितनों के रखोगे यार, 1000 के 1500 के 500 के ले लो, कितने के याद रख पाओगे, 2000। लेकिन कई द हिंदू न्यूज़पेपर लगा के याद करते हैं, कहते कि नहीं बैंक व्यू में वो सब चीज़ें आती हैं। यार इतना भी मतलब कि पूछ लेगा एक दो आपको, लेकिन जो ज़्यादातर पढ़े जाते हैं, आम हमारे यूज़ आते हैं डेली लाइफ में, हम हमारी प्रैक्टिस में, कॉम्प्रीहेंशन में, मेन वही आते हैं।
अब देख लीजिएगा, घुमा फिरा के वो वर्ड्स यूज होंगे ही होंगे आपकी प्रैक्टिस में, यू नो सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन में, ये सब चीज़ें होती हैं। इडियम्स फ्रेजेस हैं, ज़्यादा तो नहीं है, आई थिंक 50 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा तो नहीं है। और इसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसमें क्या है कि मेन मेन जो हैं, जो मतलब कि यूज़ होती हैं आम तौर पे, उसके बारे में बताया हुआ है। फिलिप डबल फिलर्स हैं, फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स इसमें वही है, आप वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स कर लीजिए, फॉरेन वर्ड्स जो ज़्यादातर यूज में आते हैं। मेन जो है कि ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग तो आपको न्यूज़पेपर से भी मिल जाएंगे, यू नो ऑनलाइन से मिल जाएंगे। इन्होंने अपनी तरफ से बताया हुआ है कि इन्हें जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बोला है। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, रैपिड फिलर्स आगे द्वारा, वन वर्ड फॉर मैनी, बाकी कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस है। कॉम्प्रीहेंशन इन्होंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इन्होंने बताया कि कॉम्प्रीहेंशन को अटैम्प्ट कैसे करना है। इंग्लिश में क्या होता है कि कई लोग तो कॉम्प्रीहेंशन जो इवन प्रीलिम्स देते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आजकल स्किप ही कर देते हैं कई बार, ऐसे भी ये देखा मैंने। वो कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन ही करना हमें, उसमें टाइम बहुत लगता है, आगे सीधा जाएंगे एरर डिटेक्शन की तरफ, फिर आगे जो भी होगा मतलब कि। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में ना बता दूँ आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवन प्रीलिम्स, नॉट इन मेंस बट या प्रीलिम्स टू। फिर इन्होंने एग्जांपल दिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी इसमें। इवन 150 to 200 क्वेश्चन हैं जहाँ तक मैंने देखे हैं, हाँ इतने हैं मतलब कि, एक बार देख लें जल्दी से। ये चैप्टर ज़ीरो सिर्फ राइटर ने अपने बताया हुआ है कि लैंग्वेज के बारे में लिखा है कि इंग्लिश है क्या, किस तरह से कोई लैंग्वेज को आप मास्टर कर सकते हो, ये सब उनके हिसाब से उनका आइडल वे क्या है, वो कैब ग्रामर क्या है इस चीज़ में, किस तरह मास्टर कर सकते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। तो या नाउन, व्हाट इज़ नाउन, नाउन की ये देख लीजिए बेसिक क्या है, कॉमन फॉर्म्स। नाउन का चैप्टर हम देखें, ये नाउन चैप्टर है, चैप्टर वन, काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ये सब पढ़े हैं आपने, जल्दी से एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसके साथ एग्जांपल्स थोड़ी सी, दो चार एग्जांपल दिए हैं। प्लूरल्स किस तरह फॉर्म होते हैं, ये सब चीज़ें हैं इवन आपने पढ़ाई हुआ है, मैं आपको बस एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। करेक्ट इनकरेक्ट किस तरह, करेक्ट जो यूज़ में आता है सब आपने पढ़े ही नहीं यार। प्रोनाउन है, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि बुक में इन्होंने किस तरह से बताया हुआ है, कि इन्होंने किस तरह से इंटरप्रेट किया हुआ है। रूल्स, रूल्स बताए हुए हैं आपको मैडम, आपके टीचर इंग्लिश के रूल्स बताएंगे। आ जाइए आप थोड़ा आगे, हम देखें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कब कहाँ कैसे हो रहा है एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, वेरियस केसेस, फिर आपके एक्सरसाइज आती हैं। एक्सरसाइज मुझे अच्छी लगी, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपको मिल जाएंगे, आपके डाउट भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। आंसर एक्सप्लेनेशन हर एक चीज़ की दी हुई है, हर एक चीज़ की, चाहे आपका जो क्वेश्चन है वो कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, के माइंड में क्लैरिटी देगा ये हर एक चीज़ के बारे में। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, करेक्ट फॉर्म क्या है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, इनकरेक्ट ही रोट लास्ट ईयर अ बुक। जल्दी से आए हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रूल, करेक्ट फॉर्म, इनकरेक्ट, हर एक चीज़, स्ट्रक्चर किस तरह से इंटरोगेटिव में आता है, हर एक चीज़ है इसमें। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पता ही होगा लोगों को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह कोई चीज़ आ रही है, एक्सेप्शन किस चीज़ में है,
मेरे भी कुछ नोट्स रह गए हैं बीच में शायद. सेंटेंस करेक्शन, यस, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एक्सरसाइज में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ये देखिए ऑलमोस्ट 150 से अबव ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जो कि आई थिंक अगर आप देखें तो बहुत हैं, बहुत नहीं लेकिन काफ़ी है. मतलब कि प्रैक्टिस तो कभी ख़त्म होती नहीं किसी भी चीज़ की. वर्ड्स किस तरह बताएं, न्यू वर्ड्स इन्होंने लिए हैं, देखिए यूज़ में किस तरह आ रहे हैं. इसमें काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ में किस तरह यूज़ में किस तरह आते हैं, वो कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, यू नो, ये सब चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है. और थोड़ा आगे आए हम वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स से आगे निकले तो idioms phrases, idioms phrases में आपको popular idioms phrases मिल जाएंगे alphabetic wise. इसके बाद tonyms, synonyms, rapid fillers, yes of course, practice में वैसे आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस इसमें पहले भी हैं एंटोनियम्स के, 100 से ज़्यादा ही आपको मिल जाएंगे. प्रैक्टिस में 100 मिल जाएंगे आपको आराम से, इससे ऊपर हर एक चैप्टर में है. रैपिड फिलर्स एक्सरसाइज जो है इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड की हुई है. उसके बाद लास्टली हम देखें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वाइज आपको मिल जाएंगे. पैसेज बहुत हैं इसमें, आप देख सकते हैं पैसेज. फिफ्टी के अराउंड पैसेजेस मिल जाएंगे अब इसमें. और सेंटेंस अरेंजमेंट, बाकी ओवरऑल अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो आई थिंक ये कोई बुरी बुक नहीं है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी अप्रोच से बनाई है उन्होंने, अपनी पूरी मेहनत लगाई है. अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बैंक पीयू एसएससी लेवल, मैं कहूँ हाँ एसएससी लेवल की है, आईबीपीएस लेवल की है, ये पीयू लेवल की, ऐसी बात नहीं है. अगर आपको समझ आए आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें इस बुक से. बाकी मैंने पढ़ी हुई आधी पढ़ ली है मैंने, बीच बीच में मेरे नोट्स हैं भी इसमें, काफ़ी कुछ पढ़ने लायक है ऐसा. बाकी आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल हमारा न्यू है, इसको लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी फ्रेंड्स में या फेसबुक कम्युनिटी में. थैंक यू वेरी मच.